स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बात करते हैं उनकी लव स्टोरी के बारे में। ये तो आप सभी को पता होगा कि लता मंगेशकर ने शादी नहीं की है, लेकिन उन्हें प्यार जरूर हुआ था। दरअसल वे अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राजा सिंह को दिल दे बैठी थीं। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और राज सिंह एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। इसी दौरान लता मंगेशकर और महाराजा राज सिंह के बीच दोस्ती बढ़ी और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अगर लता मंगेशकर की उनसे शादी हो जाती तो वो एक स्टेट की महारानी कहलाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। लता और राज एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। राज लता से 6 साल बड़े भी थे। कहते हैं कि राज ने अपने माता पिता से ये वादा किया था कि वो किसी भी आम घर की लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाएंगे। इसलिए राज ने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी शादी नहीं की। राज को क्रिकेट का भी बहुत शौक था। इसके चलते वो कई सालों तक BCCI से जुड़े रहे। साल 2009 में उनका निधन हो गया। वहीं लता भी हमेशा से कहती रही हैं कि उन पर घर वालों की जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने कभी शादी नहीं की।